दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड मस्ती ब्लॉग। तो यमी है ना, बहुत ही प्यारा है। इसका डेकोरेशन कैसा लग रहा है ये बताइए। बहुत ही मस्त, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने पता है क्या बनाया आप लोग बताइए। नहीं, मैंने पुलाव नहीं बनाया हुआ है, मैंने आज बनाया है जीरा फ्राइड राइस। बहुत ही बेहतरीन, एकदम यमी और नए टेस्ट के साथ। आप लोगों को तो पता ही है मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, और मेरे कुकिंग में हर वीडियो में कुछ ना कुछ नई आइडिया, नए नए तरीके होते हैं, क्योंकि मुझे नया नया आइडिया बहुत अच्छा लगता है। मैं नए तरीके से हर वीडियो में नई रेसिपी लेकर आती हूँ, और अगर रेसिपी मेरी पुरानी भी होती है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ नया रहता है, जो कि बहुत ही लाजवाब रहता है। तो मैंने इसे कैसे बनाया है चलिए शुरू करते हैं आपको बताना। तो सबसे पहले मैंने एक ग्लास ले लिया है, जिस ग्लास से मैं चावल को नापूंगी और उससे मेजरमेंट करके आपको बताऊंगी, और मैं खुद भी बनाऊंगी। तो देखिए, मैंने चावल इसको एक ग्लास ले लिया, उसके बाद फिर मैंने दूसरा ग्लास भी चावल लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जो भी नए दोस्त हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इसे हम अच्छे से धो लेंगे, और धो के कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे फूलने के लिए रख देंगे। हमारी चावल फूल जाती है ना, तो बहुत ही प्यारा बनता है पुलाव वाली चावल। कभी भी हमें 15 से 20 मिनट के लिए फूलने देना चाहिए, और हमारी जब तक चावल फूल रही तब तक हम घी का तड़का लगा लेते हैं। तड़के के लिए मैंने जीरा लिया हुआ है, 5 हरी मिर्च जिसको बीच से चीरा लगा लिया, बड़ी इलायची और तेजपत्ता, इसको मैंने डाल दिया। और हमारी जो है बहुत अच्छे से लाल हो चुकी है तड़का। तो चलिए अब हम तड़के को देखते हैं, बहुत ही प्यारा टेस्ट होने वाला है, बहुत ही लाजवाब, एकदम यमी। तो आप सभी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब चलिए हम फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो देखिए, तड़के हमारे हो चुके हैं रेडी, और बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी हो। अब इसमें पानी डाल लेंगे। तो हमने 2 गिलास चावल लिया हुआ था, तो 4 गिलास पानी डालेंगे। तो ये हमने 2 गिलास डाल दिया, थोड़ा सा ढक के डालने से अच्छा होता है, क्योंकि ये चटकने लगता है। तो हमने 4 गिलास पानी डाल दिया, उसके बाद हम ये 1/2 गिलास पानी एक्स्ट्रा लेंगे। यानी मतलब हम 1 गिलास डालेंगे तो 1/2 गिलास हम पानी डालेंगे, और 1/2 गिलास क्या डालने वाले हैं सो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम इतना पानी डाल के इसको रख देंगे, और पानी हमारे देखिए बहुत अच्छे से खौल चुका है, चावल भी फूल के रेडी हो चुका है। अब चावल को हम डाल देंगे, चावल हमारी अच्छे से इसमें चली जाएगी, बहुत ही लाजवाब होता है मेरे प्यारे दोस्तों। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मैं इसे हमेशा बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया हुआ है। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, और जो हमारा सीक्रेट था वो आ गया दूध। तो मैंने 1/2 गिलास पानी जो लास्ट में डाला था ना, उसके बाद 1/2 गिलास दूध, यानी हमारा 1 गिलास हो गया। यानी हमारे 2 गिलास में पुरानी चावल थी, तो हमने 5 गिलास पानी डाला है, जिससे कि बहुत ही प्यारा होगा। और जैसे ही हमारी 1 उबाल आएगी तो आप लोग चावल को चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद आप लोगों की चावल कच्ची होगी तो फ्लेम को सिम कर दीजिएगा और इसे कवर कर दीजिएगा। इससे आपकी जो है पानी पूरी की पूरी मेजरमेंट हो जाएगी, और चावल बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं पक चुका है। हल्की पानी है और हल्की हमारी चावल भी कच्ची है, तो देख लीजिए आप खुद, है ना, बहुत ही लाजवाब। तो हल्की चावल भी कच्ची है और हमारी पानी भी। अब इसको हम फिर से फाइनल ही फ्लेम को एकदम सिम कर देंगे, और सिम करके कवर कर देंगे, और इसे हम तब तक चेक ना करेंगे। देखिए, दोबारा हमने चेक किया इसे, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुका है। तो हम इसे इस साइड से नहीं, बल्कि चम्मच के दूसरी छोर से चलाएंगे, और चला के इसे चेक करेंगे। तो हल्की सी पानी है, और चावल भी हमारी बहुत अच्छे से हो चुकी है। तो हम इसे फ्लेम को सिम रखने देंगे। अगर आपकी पानी ज़्यादा है तो आप फ्लेम को हाई कर दीजिएगा, और पानी को पूरा अच्छे से सुखा दीजिएगा। अगर चावल थोड़ी सी कच्ची है तो फ्लेम को सीम ही रहने दीजिएगा। तो चावल और पानी हमारी बिल्कुल मेजरमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से हो चुकी है, हमें इसमें अब कुछ नहीं करना है। अब हम इसे सर्व करने के लिए रेडी करेंगे। सर्व करने से पहले हम इसका डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि हमने ये बहुत ही प्यारा और लाजवाब बनाया हुआ है। ये डिश बहुत ही इमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो हमने इसे सर्व करने के लिए रेडी किया, और इसका डेकोरेशन 2 कलर से करेंगे। यानी एक मैंने फूड, दोनों फूड कलर है, जो एक ऑरेंज है और एक ग्रीन है। तो चलिए फटाफट से हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए हम थोड़ी सी चावल निकालेंगे दूसरी प्लेट में,
इस चावल को हम चम्मच के मदद से दो भागों में बट रख देंगे, जिससे कि दोनों कलर को हम मिक्स करेंगे। बहुत ही प्यारा होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप सब ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोनों हिस्सों में हम दोनों कलर को मिक्स करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसे हमें नींबू के साथ मिक्स नहीं करनी होती है। हम जब भी पुलाव वगैरह बनाते हैं तो कलर के लिए नींबू डालते हैं और नींबू में हम फिर कलर डालते हैं, लेकिन इस बार बिल्कुल नया है। मैंने पहले ही बताया हुआ था आपसे, नए अंदाज में नए तरीके से बिल्कुल ही नया आइटम बन के रेडी हो चुका है हमारा, क्या जीरा फ्राई राइस, बहुत ही लाजवाब। कलर को हमने मिक्स कर लिया है, चावल को अच्छे से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर से इसको डाल देंगे। इसमें हो गया तीन कलर, एक हो गया ऑरेंज, एक हो गया ग्रीन और एक हो गया वाइट। ये हमारे तिरंगे का कलर भी हो गया, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अमेजिंग। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा मेरी वीडियो को। तो सर्व करने के लिए रेडी हो चुकी है, आप इसे चिकन मटन अंडा पनीर जिस चीज़ के साथ चाहे सर्व कर सकते हैं। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।